हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 18 को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे सर्ग का वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से सर्ग जो है, जो पहला सृष्टि जो है भगवान करते हैं, और विसर्ग जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो प्राइमरी और एलिमेंट्री क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। तो सेकेंडरी क्रिएशन जो है कौन कर रहा है? ब्रह्मा जी। तो अब यहाँ पे और पहले भी दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से सब कुछ जो है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ। सब कुछ जो है भगवान के विराट रूप के अंदर ही है। और फिर से यहाँ पे और भी विस्तार रूप से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान के शरीर से अनेक अनेक चीजें उत्पन्न हो रही है। तो इसके इस श्लोक के 17वें श्लोक में बताया गया कि विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया। तो प्राण है तो भूख और प्यास। और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो अब एक के बाद कैसे एक सब चीज जो है उत्पन्न होती जा रही है। तो खुल गया तो भूख लगी तो खुल गया, तो खुल गया तो फिर अगर इसका स्वाद कुछ खाना है और उसका स्वाद लेना है तो फिर यहाँ पे बताया गया कि मुंह के तालु प्रकट हुए और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई, बैलेट एंड टंग। तो ये दो चीज, मुंह खुल गया, मुंह खोलने के बाद तालु प्रकट, ये विराट पुरुष या जो भगवान का ये विराट रूप से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। फिर जीव भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई। मुख खुलने के बाद स्वाद किससे लेते हैं? जीवा से। हमारी जीव है तो अलग अलग स्वाद। अभी माता जी पूछ रही थी ध्रुव को कि कौन सा अच्छा स्वाद लगता, क्या अच्छा पदार्थ खाने की इच्छा, क्या इच्छा हो रही है खाने की। वो जीभ से ही शुरू होती है। जीभ को जो स्वाद लगता है उस प्रकार से, उस स्वाद के अनुसार हम जो है अनेक अनेक पदार्थ को खाने की इच्छा करते हैं। तो विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तो ये यहाँ पे बताया जाए किस प्रकार से एक के बाद एक सब हो रहा है। और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियमक देवा देवो आदि देव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। हर एक जो शरीर की सभी क्रियाएं जो है, या शरीर की सभी
कार्य जो है अनेक अनेक देवता द्वारा नियंत्रित है, उसका वर्णन भी किया था। और हर एक देवता भी अगर हमारी कुछ इच्छा है वो इच्छा दिलाने वाले अलग अलग, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में ही पढ़ा था, दूसरा अध्याय का कौन सा श्लोक था वो, जिसमें बताया गया है कि देवता जो है वे इंचार्ज रहते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि अगर हम उनको पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं तो अनेक अनेक जो हमारी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये सब जो है उनको कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से मैं वो ढूंढ रही हूँ, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार से अनेक देवताओं की पूजा करने से हम जो है अनेक अनेक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हिंदी नहीं है तो मैं श्लोक संख्या, अगर किसी के पास अपने पास है ना तो कोई पढ़ो दूसरे अध्याय, सॉरी तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 2 से लेकर 7 पूरा दृश्य सामने आ जाए। कौन पढ़ेगा? नहीं मैं पढ़ू माता जी। हाँ ओके, भागवतम। भागवतम का क्या, भगवत गीता का? नहीं नहीं भागवतम दूसरा, जय श्री राधा, सेकंड कैंटो थर्ड चैप्टर आपके सामने खुला ही है ना। यस माता जी, 2 और 7 शुरुआत पढ़िए। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। स्लोली पढ़ो, ज्यादा भागो। तो यहाँ पे बताया कि वन हु डिजायर्स टू बी एब्जॉर्ब, वो पहला ये बताया गया कि ब्रह्म ज्योति में अगर लीन होना चाहता है तो ब्रह्मा या बृहस्पति की पूजा करना चाहिए। जिसको काम वासना है, सेक्स डिजायर है तो इंद्र को। इस प्रकार से अगर संतान उत्पन्न करना है तो प्रजापति। इस प्रकार से एक एक देवता को प्रसन्न करने से जो है हमें जो हमारी इच्छाएं हैं वे जो पूर्ण हो जाती है। तो पढ़िए अभी। जो अच्छे भाग्य का आकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे सात्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी पद के स्वामी स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की पूजा की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो
उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सराओं की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की तथा जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिव जी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता है तो उसे शिव जी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। माता जी आप म्यूट पे हो। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अनेक अनेक देवता जो है वे जो है नियामक करते हैं, नियंत्रण करते हैं सब चीज। और ये पूरा जो जगत है ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स है, इनसे ये अनेक अनेक डिपार्टमेंट्स जो है यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, ये अनेक अनेक डिपार्टमेंट्स है जिसको वो हैंडल करते हैं। और इस प्रकार से ये सब जो कार्य है बहुत ही सुंदर रूप से चलता है। तो यहाँ पे हर चीज, हर शरीर के हर एक अंग या कार्य जो है हर एक देवता को सौंपा गया है। तो जो वे अपने कार्य वो सब उस चीज को संभालते, अतः यहाँ पे बताया गया है कि विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवो आदिदेव, तो आदिदेव हर एक का होता है, कि व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। नियामक देव वरुण भी है, और दूसरा भी एक कार्य जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर किसी को बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए तो वरुण की पूजा करनी चाहिए। तो अलग अलग देवता का वे कुछ नियंत्रण भी करते हैं और कुछ वरदान भी दे सकते हैं, तो ये वरदान दे सकते हैं इस प्रकार से। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है जो विभिन्न रसों का आस्वाद करती है, जिसका नियामक देव वरुण है। तो सभी रसों का आस्वादन जो है वो वरुण देव जो है उनके उनके द्वारा जो है ये नियंत्रित है। तो हम देखते हैं कि हम सब जो है हर एक चीज जो हम करते हैं हम किसी के नियंत्रण में कर रहे हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। और ये सब जो है बहुत ही जो क्या कहते हैं सुंदर रूप से ऑर्गेनाइज्ड है। तो इसीलिए हम जो है कृतज्ञता व्यक्त करने के बाध्य बन जाते हैं। हमें जो है ये सभी इतने सारे देवता हैं, आगे भी देखेंगे अग्नि है या वरुण है या इंद्र है, ये सब देवता जो, और ये जीवा का के विषय में भी आगे भी हम अगले श्लोक में भी हम और भी गहराई से समझेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऋणी हैं, देवताओं का ऋण। अब हम समझ सकेंगे कि कैसे हम ऋणी हैं, और
कैसे चुकाएंगे इतने सारे ऋण, इतने सारे जो देवता हैं, प्राणी हैं, जैसे कि आदिभूत आदिदेव, अभी आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, क्योंकि काफी जीव जंतु भी है जो हमें सहायता करते, देवता भी सहायता करते। तो इस प्रकार से जो है हमारे ऊपर इतना बड़ा ऋण हो जाता है कि इस ऋण को चुकाना जरूरी है। पर भक्ति इतनी सरल सुगम है कि सिर्फ भगवान की भक्ति करने से, भगवान के श्री चरण कमलों में नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, शरणागत होने से हम सभी ऋणों से मुक्त हो जाए। क्योंकि स्रोत क्या है? स्रोत भगवान से ही सब शुरू। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर सब कोई प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सब जो है भगवान, सभी देवता, सभी जीव, सभी प्राणी, सभी जीवात्मा, सभी चीज जो है भगवान के साथ जुड़ा। सो क्लियर है कि कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं तो हम अलग अलग, अभी हम वरुण को प्रसन्न करेंगे, इंद्र को प्रसन्न करेंगे, या शिव जी को प्रसन्न करेंगे, या फिर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे, किस किस को, इतने सारे देवता हैं, लिस्ट बहुत बड़ा है, सब जो है हमें सहायता कर रहे हैं, तो सहायता करते हैं तो हमें उनके उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। लेकिन जब हम इस कृतज्ञ का जो है व्यक्त हम भगवान को करेंगे तो सब जो है प्रसन्न हो जाते, सबको हम संतुष्ट कर सकते हैं। तो अतः मुख जीव जीव का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वादन करती है, जिसका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न होता हुआ है। तो अभी यहाँ उत्पत्ति भी कि किस प्रकार से हर एक अंग से एक नियामक देवता उत्पन्न। ब्यूटीफुल प्लानिंग भगवान का, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। और आज भी ऐसा ही होता है कि अगर कुछ उत्पन्न होता है तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उत्पन्न किया अभी, क्रिएट किया कुछ, तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, का देखभाल कौन करेगा? कोई है रिप्रेजेंटेटिव, है ना? कंपनी बनाती है कोई मोबाइल फोन या कोई दवाई या कुछ भी, तो उसके लिए उसका रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उसको देखेगा कि अच्छी तरह से कार्य हो रहा है। तो इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जीवा जो रस 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 के नियामक देव वरुण का उत्पन्न उत्पन्न हुए। क्लियर? जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप में रूप है, जबकि कार्य करने वाले देव आदिदेव है। तो यहाँ पे बताएगा आदिभूत और आदिदेव। जो भी जी
जी जो जो कि जीभ है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह आध्यात्मा। आध्यात्मा मतलब स्वयं, आध्यात्म पर्सन, आदिभूत कोई और आदिदेव कोई देवता। तो इस प्रकार से ये जो तीन है, और फिर उसके अधिष्ठाय देवता है हर एक कार्य के लिए। इस पर प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो जाती है। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण आदिभूत, निमित्त मात्र होने के कारण आदिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाले देव आदिदेव। तो कार्य कौन कर रहा है, पदार्थ है, इन कार्य कौन कर रहा है, आदिदेव। तो इसीलिए सब कंट्रोलिंग डेमिगॉड्स है, ये सब चीजों को कंट्रोल कर, आदिदेव एक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीन जो बताया गया है पहले भी। जो इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणियों के जन्म की व्याख्या हो चुकी है, प्रस्तुत श्लोक में चार सिद्धांत दिए गए हैं, जिसका पहला पहले बताए गए तीन। तो पहले बताए गए कौन थे, तीन, और अभी एक जो कंट्रोलिंग देती है प्रमुख तत्व, आध्यात्म, आदिदेव तथा आदि भूता की व्याख्या हो जाती है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक के बाद एक तालु, पहले मुख खुला, फिर तालु और जीभ। जीभ मतलब टेस्ट, बिना टेस्ट से क्या कैसे चलेगा, मतलब ही नहीं। तो अभी टेस्ट एक चीज है, जीभ का दो कार्य है, राइट, टेस्ट और वाचा। तो अभी उसका भी दूसरा कोई कंट्रोल है, ऐसा नहीं कि दोनों ही एक। टेस्ट अलग है, स्पीच अलग है, हर एक चीज फाइन ट्यून है। ये पूरा जो भगवान का क्रिएशन है वो फाइन ट्यून टू द माइन्यूट डिटेल तक सब फाइन ट्यून है, और सब जो है तो ऐसा लगता है कि है ही नहीं कोई। जब सब कुछ फाइन ट्यून अच्छा से चल रहा है तो इसे लोग सोचते हैं कि भगवान है नहीं, इन्हीं सटल एलिमेंट्स को नहीं जान रहे है। तो ये सटल एलिमेंट्स को जान, जैसे कि एक कंप्यूटर लो, इसमें कितने सटल एलिमेंट्स है जिसके कारण ये सब जो है प्रोग्राम्ड किया गया चले। तो इस प्रोग्रामिंग के अनुसार ये पूरा जो है प्रोग्रामिंग भगवान ने किया, सुप्रीम साइंटिस्ट वही है, सुप्रीम इंजीनियर, सुप्रीम साइंटिस्ट, सुप्रीम क्रिएटर जो भी है। तो मुख को खोलने से वो तालु, टेस्ट अगर स्वाद अगर लेना, जब तक जीवा तालु को नहीं छुएगी तब तक वो टेस्ट और स्वाद तो दोनों बराबर। और फिर स्वाद जो जीवा उसका रसास्वादन कर सके, ठीक है। तो ये श्लोक में बताया, नेक्स्ट श्लोक में और भी डिटेल में हम समझेंगे। तो
हम बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे दृश्य में ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि कैसे सब कुछ शुरू हुआ। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। ओम तत्सत।